वेलकम टू स्टडी वॉच मकैविटी द मिस्ट्री कैट। मकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ली या फिर बिल्ला। तो मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, जिसके बारे में हम ना जानते हों, जिसके बारे में बताना मुश्किल हो, उसे हम मिस्ट्री कह सकते हैं। ये पोएम NCERT के क्लास 8 के इंग्लिश हनीडियो के यूनिट 3 की पोएम है। चलिए आगे देखते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड? क्या कभी आपने ध्यान दिया है? एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इसके बारे में कुछ रहस्यपूर्ण, क्या कभी आपने इसके बारे में कुछ रहस्यपूर्ण महसूस किया है? नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना या फिर महसूस करना। इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री। ये कहना आसान नहीं है कि सभी बिल्लियाँ रहस्यमयी होती हैं, बट मकैविटी इज वन फॉर श्योर। लेकिन मकैविटी उनमें से एक है, मकैविटी उनमें से एक है फॉर श्योर, निश्चित ही, पक्के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मकैविटी उन रहस्यमय बिल्लियों में से एक है। व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? व्हाट इज इट, वो ऐसी कौन सी चीज़ है दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, जो उसे एक पूरी तरीके से रहस्यमय बिल्ली बनाती है। देखिए यहाँ पर हिम है, ठीक है, हिम अ परफेक्ट, उसे एक पूरी तरीके से रहस्यमय बिल्ला बनाता है। तो यानी हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कैट का मतलब क्या होगा? बिल्ला होगा। ऊपर ये क्लियर नहीं था कि वो बिल्ला है या बिल्ली, इसलिए हमने उसको कैट में बिल्ली ही कहा था, लेकिन यहाँ पर हिम लिखने से ये बात क्लियर हो गई कि वो एक बिल्ला है। अगर यहाँ पर हर होता तो बिल्ली के लिए इस्तेमाल होता। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे एक पूर्ण रूप से रहस्यमय बिल्ला बनाता है? रीड द पोएम, इस कविता को पढ़िए एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए। फाइंड आउट का मतलब क्या है? पता लगाइए। Macavities is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. Macavities is a mystery cat. Macavity एक रहस्यमय बिल्ला है। जैसा हमने जाना कि उसके लिए हिम आया है कैट के लिए, तो वो एक बिल्ला है। यहाँ पर हम इसको इज ऐसा सेंस ले सकते हैं, Macavity is a mystery cat. Macavity एक रहस्यमय बिल्ला है। He is called the hidden paw. उसे हिडन पॉ भी कहा जाता है, उसे हिडन पॉ के नाम से भी पुकारा जाता है। हिडन पॉ का मतलब क्या है यहाँ पर? छिपा हुआ पंजा। हिडन का मतलब छिपा हुआ, पॉ का मतलब पंजा। तो इसे हम कहें कि अपराधी जो होते हैं, या नेगेटिव सेंस में एक वर्ड होता है अलियास, इसका मतलब होता है उपनाम, उसको उर्फ के नाम से हम जानते हैं, जैसे मकैविटी उर्फ हिडन पॉ, अगर हम इसे हिंदी में कहें तो। और इसी तरह एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं अक्का, ऑल्सो नोन एज अक्का हिडन पॉ, ठीक है, मकैविटी अका हिडन पॉ भी हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं। एक का मतलब अका का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑल्सो नोन एज, इस नाम से भी जाना जाता है। तो मकैविटी एक रहस्यमय बिल्ला है जिसे हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं मकैविटी अलियास हिडन पॉ, या फिर मकैविटी अका हिडन पॉ, ठीक। क्यों कहा जाता है उसे वो मिस्ट्री कैट हिडन पॉ? फॉर, क्योंकि, यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है? बिकॉज, क्योंकि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, कि वो एक बहुत ही चालाक अपराधी है, हु कैन डिफाई द लॉ, जो नियम को तोड़ सकता है। डिफाई का मतलब होता है डिसओबे, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं ब्रेक द लॉ, जो बहुत ही आसानी से नियम को, कानून को तोड़ सकता है। वो एक मास्टर क्रिमिनल बिल्ला मिस्ट्री कैट मकैविटी है, जिसे हिडन पॉ भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। He is the bafflement of the Scotland Yard, the flying Scots despair, for when they reach the scene of the crime, Macavity is not there. He is the bafflement of the Scotland Yard. वो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की एक परेशानी बना हुआ है। बफलमेंट का मतलब क्या है? परेशानी, टेंशन, उसने टेंशन दे रखी है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को। और फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर, और उसने जो फ्लाइंग स्कॉट है, जो उड़ाका दल है, उसे भी उसने हताश और निराश कर रखा है। वो भी बहुत उससे परेशान है, उससे वो आजीज आ गए हैं। कौन? ये फ्लाइंग स्क्वाड वाले। फॉर, क्योंकि, व्हेन दे रीच द सीन ऑफ द क्राइम, क्यों? क्योंकि जब वो सीन ऑफ द क्राइम पर पहुंचते हैं, जब वो अपराध जहां पर हुआ है, उस घटना जो हुई है, उस स्थान पर पहुंचते हैं, मकैविटी इज नॉट देयर, तो मकैविटी उन्हें वहां नहीं मिलता है। इससे वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें ये पता है कि ये काम मकैविटी का किया हुआ है, लेकिन वो इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाते हैं। वो एक परेशानी बना हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की, और फ्लाइंग स्क्वाड भी उससे बिल्कुल हताश हो गया है, निराश हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। मकैविटी मकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मकैविटी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मकैविटी मकैविटी, मकैविटी ही मकैविटी,
चारों तरफ मैकैविटी ही मैकैविटी है। देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, मैकैविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, मानव द्वारा बनाए गए सभी नियमों को उसने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है, जो एक तरह से प्राकृतिक नियम है। मैकैविटी ने मानव द्वारा बनाए गए हर नियम को तो तोड़ा ही, उसने प्रकृति द्वारा बनाए गए नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी उसने तोड़ा है। कैसे, आगे देखते हैं। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकैविटी इज नॉट देयर। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में उड़ने की उसकी शक्ति वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एक फकीर को भी अचंभित कर देगी। एंड और व्हेन यू रीच द सीन ऑफ द क्राइम, जब तुम उस अपराध स्थल पर पहुंचोगे जहां पर अपराध घटित हुआ है, मैकैविटी इज नॉट देयर, वहां तुम्हें मैकैविटी नहीं मिलेगा। इसमें मैकैविटी के बारे में ये बताया गया है कि मैकैविटी हवा में उड़ने की उसकी पास ऐसी कला है कि जो फकीर होता है, जिसके पास माना जाता है कि गुप्त शक्तियां होती हैं, वो भी उसकी इस उड़ने की कला को देखता रह जाए। यहाँ पर स्टेयर का मतलब तो होता है घूरना, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि वो देखता रह जाए। और जब आप उस सीन ऑफ क्राइम पर पहुँचेंगे, उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर अपराध हुआ है, मैकैविटी आपको नहीं मिलेगा, वहाँ से वो गायब हो जाएगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकैविटी इज नॉट देयर। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे हवा में देख सकते हो। यानी जब उस क्राइम स्थान पर आप पहुंचोगे, क्राइम वाली प्लेस पर, सीन ऑफ क्राइम पर, तो आप उसे बहुत करेंगे बेसमेंट में देखेंगे, बहुत करेंगे आप उसे हवा में देखेंगे। बट लेकिन आई टेल यू वंस, मैं एक बार आपको और बता दूं, एंड वंस अगेन, और एक बार और बता दूं, मैं आपको ये बार बार बता दूं, मैकैविटी इज नॉट देयर, वहाँ पर मैकैविटी आपको नहीं मिलेगा। यानी मैकैविटी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमने देखा कि मैकैविटी को आप ज़मीन में ढूंढेंगे, आसमान में ढूंढेंगे, लेकिन आपको मैकैविटी नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि मैकैविटी को ज़मीन निकल गई या फिर आसमान खा गया, उसका कुछ पता नहीं चलेगा। आपका ये प्रयत्न, जो आप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से व्यर्थ होगा। मैकैविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर सकिन इन। मैकैविटी इज अ जिंजर कैट, मैकैविटी का जो रंग है वो अदरक की तरह ब्राउन हल्का सा है, वो ऐसा बिल्ला है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबा और बहुत पतला है, ये उसका हुलिया बताया जा रहा है मैकैविटी का। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसे तभी जान पाएंगे जब आप उसे देखेंगे, फॉर हिज आईज आर सकेन इन, क्योंकि उसकी आँखें धसी हुई हैं, उसकी आँखें अभी अंदर की तरफ है, वो नज़र नहीं आती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मैकैविटी का हुलिया है, इसमें बताया गया है मैकैविटी एक जिंजर कलर का है, उसका रंग जो है वो अदरक के रंग का है, वो पतला लंबा है, और उसे आप पहचान तभी पाएंगे जब आप उसे कभी देख पाएंगे, क्योंकि मैकैविटी को कोई देख नहीं पाता है। अपराध घटित होता है, उस स्थान पर पुलिस जाती है, उड़ाका दल जाता है, लेकिन वहाँ उसका कोई पता नहीं चलता, उसका कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसे पहचानना भी एक तरह से मुश्किल है। यहाँ पर बताया गया संकिन का मतलब होता है धसी हुई आँखें, जो अंदर की तरफ हों। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट, हिज हेड इज हाईली डूम, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट, विचारों से उसकी भाव बिल्कुल उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, लाइन्स आ गई हैं। जब हम कभी विचार की मुद्रा में होते हैं तो हमारा माथे पर लकीर आ जाती है, हमारा माथा सिकुड़ जाता है, तो उसी तरह यहाँ पर इसको बताया गया है। हिज ब्रो इज डीपली लाइन, उसकी जो भाव हैं उस पर अब गहरी लाइन्स पड़ गई हैं, विचारों की गहरी लाइन्स पड़ गई हैं। हिज हेड इज हाईली डूम, और उसका जो सिर है वो काफ़ी उठा हुआ है। डूम का मतलब होता है गुम्मत, ऐसे इस तरह से हम देखें गोल चीज़, उसका सर जो है ऊपर से बहुत गोल नज़र आता है। His coat is dusty from neglect, और उसका जो कोट है वो अब डस्टी, उस पर धूल पड़ गई है neglect से, वो उसकी परवाह नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा सफाई से नहीं रहता है, वो उसकी परवाह नहीं करता है। His whiskers are uncombed, उसके जो whiskers हैं, जो उसकी मूछें हैं, जो उसकी वो uncombed हैं, यानी उस पर कंघी नहीं हुई है, वो बने हुए नहीं हैं। तो इससे पता चलता है जो मैकैविटी है वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, अपनी अपीयरेंस पर ध्यान नहीं देता है, उसका ध्यान सिर्फ अपराध करने में और वहाँ से भागने में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अ स्लीप,
ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, ही स्वेज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने सिर को दाएं बाएं हिलाता है, स्वे का मतलब होता है मूवमेंट मूव, वो अपने सिर को दाएं बाएं हिलाता है विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे एक सांप अपने सिर को हिलाता है उस तरह वो अपने सिर को हिलाता है, एंड व्हेन यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है ही इज हाफ एस्लीप, वो अभी आधी नींद में है यानी उसे नींद आ रही है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो आप गलत हैं, वो हमेशा पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है। वाइड अवेक का मतलब जो पूरी तरीके से जागा हो, चौकन्ना हो, अलर्ट हो। मकैविटी मकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मकैविटी, फॉर ही इज फीड इन फिलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। मकैविटी ही मकैविटी, चारों तरफ कौन है, मकैविटी ही मकैविटी है, देयर इज नो वन लाइक मकैविटी, मकैविटी जैसा कोई नहीं, फॉर क्योंकि ही इज अ फीड इन फिलाइन शेप, क्योंकि वो बिल्ली के रूप में एक शैतान है। फीड का मतलब क्या है, शैतान जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, फीड डेविल जिसे कहते हैं हम, कि वो एक बिल्ली के रूप में एक शैतान है। फिलाइन जो है, फिलाइन शेप का मतलब बिल्ली का रूप, फिलाइन का मतलब होता है लाइक कैट, इसी तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे होता है कैनाइन, ठीक, कैनाइन का मतलब होता है लाइक डॉग, ठीक है, और एक होता है बोआइन, ठीक, बोआइन का मतलब होता है लाइक कैटल, जैसे गाय भैंस, इसी तरह इक्वाइन होता है, इक्वाइन का मतलब लाइक हॉर्स, पोकाइन का मतलब लाइक पिग्स, तो इस तरह के पूरा एक वर्ड की सीरीज होती है आइन करके, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ही इज़ अ फीड इन फिलाइन शेप, वो बिल्ली के रूप में एक दैत्य है, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वो बुराई का एक मॉन्स्टर है। डिप्रेविटी का मतलब क्या है यहाँ पर, विकेडनेस बुराई, और मॉन्स्टर का मतलब जैसा हम जानते हैं इमेजिनरी क्रिएचर, वो भी जैसे दैत्य या शैतान या फिर इसी कैटेगरी में आएगा, तो वो एक मॉन्स्टर है बुराई का। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मकैविटी इज़ नॉट देयर। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, आप चलते चलते उसे रास्ते में मिल सकते हैं, गलियों में आप उसे मिल सकते हैं चलते हुए। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे स्क्वायर पर भी मिल सकते हैं, आप उसे चौराहे पर भी मिल सकते हैं, बट लेकिन व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई क्राइम डिस्कवर होता है, जब किसी अपराध का पता चलता है, देन मकैविटी इज़ नॉट देयर, फिर वहाँ आपको मकैविटी नहीं मिलने वाला, वहाँ मकैविटी नहीं मिलता है। इसी तरह बहुत ही अच्छी कविता, बहुत अच्छी पोएम मकैविटी, एक इमेजिनरी बिल्ली के ऊपर बनाई गई है, T.S. एलियट की पोएम, ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।